चैनल इस बंदे का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। हम लोग अभी पंडोल में रुके हैं क्योंकि इनको यहाँ से इमरजेंसी केस के लिए हॉस्टल वापस जाना पड़ रहा है और हम लोग इनको वापस जाने दे रहे हैं क्योंकि इनके साथ कुछ पर्सनल दिक्कत हो गया है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं मुजफ्फरपुर। हमारा वहाँ से गाड़ी लेने का, गाड़ी की डिलीवरी लेने का प्लान है क्योंकि गाड़ी को हम लोग दिए थे वहाँ पे सर्विस में। और अभी हम लोग हैं शायद दरभंगा के आसपास। ये है NH 27। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि शीर्षक भाई गाड़ी चला रहे हैं और प्रदर्शी भाई बगल में बैठे हैं और हमारा इन लोगों का डीप डिस्कशन चल रहा है। देखिए दोस्तों, रास्ते में ये देखिए जीप की कंपस जो कि ख़तरनाक एक्सीडेंट की हुई है, भयानक लगता है। लेकिन आदमी को कुछ नहीं हुआ होगा अंदर वाले को, क्योंकि गाड़ी बहुत ही मजबूत और सेफ है। तो गाली मैं नहीं दूंगा, लेकिन अभी क्या हुआ कि मैं खुद से बातें कर रहा था और मैंने 10 मिनट तक बातें की और पता चला कि मैंने वीडियो का कैमरा ही ऑन नहीं किया है, मतलब बटन दबा के ऑन नहीं किया था वीडियो दबाना। वो चाचा को देखो, इनको देखिए, इनको अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं है। ये पुलिस वाले हैं, क्या दूसरे को ज्ञान देंगे। और आप देख सकते हैं कि गाड़ी का नंबर नोट कर लीजिए। हम लोग को मिल जाए तो हम लोग को कितना कितना नियम समझाता है। सर जूता नहीं पहने हैं, ये नहीं पहने, वो नहीं पहने। क्या पहना, जूता तो पहना है लेकिन हेलमेट क्या नहीं है। सर कौन बचाएगा, कल मेरे को दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन किस्मत अच्छा था कि बेचारा हेलमेट पहना हुआ था तो कुछ नहीं हुआ। अंग्रेजी दवा खाना। और ये है, फिर से कंटिन्यू करते हैं, ये है मारुति सुजुकी रोल्स रॉयस जेन स्टीलो V12 इंजन LXi 9 साल पुरानी विथ ABS विथ 200 लीटर बूट स्पेस एंड मेनी मोर। आप गूगल पे पढ़ लीजिए टाटा पंच। चाचा को बोले क्या कि आपका हेलमेट कहाँ है, रुक के बोले क्या गाली दे देगा, लेकिन क्या नहीं बोल सकते, मेरे पास लाइसेंस है, गाड़ी भी इलीगल है। गाड़ी जो हमारे साथ आ रही है रेनो के क्विड और चलाने वाला बहुत ही बंदर जैसा चलाता है, वाइपर मार के शक्ल दिखा रहा है लेकिन नहीं दिखेगा उसको, नहीं पता है। नहीं, बारिश हो रहा है इसलिए वाइपर चला रहा है। उसका एक ही बार चला भाई, बढ़िया लग रही है भैया उसकी। तो उज्ज्वल एक बार हम लोग बीच में यही प्लान था। तो अभी हम लोग आ गए हैं गांधी सेतु पुल पे जो कि हाजीपुर और पटना को कनेक्ट करता है। और अपने टाइम पे ये सबसे बड़ा पुल हुआ करता था, उसके बाद से फिर ये एशिया का सबसे बड़ा पुल हुआ, उसके बाद फिर चाइना में एक बड़ा सा बन गया, तो उसके बाद ये सेकंड नंबर पे आ गया और अभी शायद ये थर्ड नंबर पे है। इसकी एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, लेकिन है ये 9 किलोमीटर लंबा पुल है जो कि जब से मैं पैदा हुआ तब से मैं देख रहा हूँ ये बन ही रहा था। और मैं अभी 26 साल का हो गया और ये पुल लग रहा है कि अब बन के कम्प्लीट हो गया है। तो इसको लगा लगभग 20-25 साल टोटल बनने में, लेकिन फाइनली ये पुल बन गया है। तो अब हाजीपुर आने जाने में बहुत ही कम समय लगता है, नहीं तो पहले तो मतलब उसका कोई लिमिट ही नहीं था कि आप कितने देर में पहुंचेंगे, कब तक जाएंगे। आपको इस पुल पे, अभी इस पुल पे मैक्सिमम लगता है 20 मिनट, लेकिन पहले लगता था 20 घंटे भी हो सकते थे अगर इस पर सही से जाम लग जाए तो। तो इस ख़तरनाक कंडीशन में भी हम लोग इस पुल पर फंसे हुए थे एक बार का, लेकिन अभी ठीक है। अभी तो खैर सारी दोनों साइड का लेन चालू है तो सारी गाड़ियाँ पार कर जाती हैं जल्दी जल्दी। और पटना जो है वो पटना काफ़ी तेज़ी से डेवलप कर रहा है, तो आप लोग को दिखता भी होगा, आप गूगल भी कर सकते हैं, अभी बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है पटना। और उसी का एक एग्ज़ाम्पल ये पुल है जो कि हाजीपुर को कनेक्ट करता है पटना से। तो गाइस अभी मैं कहाँ से चलते चलते कहाँ आ गया ये मुझे खुद नहीं पता है। मैंने कुछ वीडियो शूट किया जब मैं मधुबनी में था, फिर मैंने थोड़ा सा पार्ट शूट किया जब मैं मुजफ्फरपुर में इस गाड़ी को लेने गया था, और फिर मैंने शूट किया जब मैं पटना में था, हाजीपुर में था, फिर मैंने शूट किया जब मैं पटना में था, और अभी मैं शूट कर रहा हूँ। अब मैं सिवान पहुँचने वाला हूँ, तरवाड़ा क्रॉस कर चुका हूँ और आप देख सकते हैं कि इधर काफ़ी भयानक तूफान और आंधी सब एक साथ आ चुका है, लाइटनिंग भी हो रही है भयंकर। और मैं गाड़ी का स्पीड 80 मेंटेन किए हुए हूँ, जबकि अभी कुछ देर पहले मुझे जब मेरी गाड़ी 100 पे थी तो मुझे लग रहा था कि गाड़ी डिसबैलेंस हो रही है, तो उसके कारण मैंने अपनी स्पीड थोड़ी कम कर ली थोड़ी सी। और आप देख सकते हैं कि इंस्टेंट एवरेज हमारी गाड़ी का 22 हो गया, तो ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, ज़िंदगी कट रही है।
और रास्ते में देख के आपको दिखाई दे रहा होगा, ये गाड़ी मुझे बहुत मुश्किल से दिखाई दी जो सामने आपको दिख रही होगी, नहीं तो मुझे पिछले कुछ किलोमीटर तक तो एक भी गाड़ी मिली ही नहीं रोड पे। मौसम इतना ख़राब हो चुका है और टाइम भी आप देख सकते हैं कि 10 बज रहा है, 10:01 1001, और ये सामने है सफारी। तो ये गाड़ी से मुझे, जब ये गाड़ी मुझे सामने दिखी तो मुझे लगा कि ओह माय गॉड मैं बच गया, क्योंकि मुझे भूत से बहुत डर लगता है और मेरे को लगा कि रोड पे कहीं कोई भूत भूत आ गया तो और कुछ नहीं है, यही है ज़िंदगी में कट रही है ज़िंदगी। और सफारी वाले को आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग नॉर्मल क्या स्पीड से चल रहे हैं और हम किस स्पीड से चल रहे हैं, क्योंकि हम हैं प्रो ड्राइवर और हमारे पास बहुत ज़्यादा स्किल है गाड़ी चलाने का। और हमारे गाड़ी का राइट साइड का टायर जो है वो पंचर है पिछले 6 महीने से, लेकिन फिर भी मैंने उसे अभी तक पंचर बनवाया नहीं है, मैं हवा डलवा के चला रहा हूँ। फिर पता चलेगा किसी दिन ब्लास्ट हो गया तो उस दिन टायर चेंज कराएंगे अगर माहौल में बचे तो। आप देख सकते हैं चारों तरफ पानी धुंध ही धुंध नज़र आ रहे हैं। और अभी हम लोग बैठे हैं MG Hector Plus 2020 मॉडल में, और कुछ देर पहले अभी मैंने देखा वहाँ पे पेड़ भी रोड पे गिरा हुआ था टूट के, और ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ओवरटेक करने का, तो मैं नहीं करूँगा। मैं कर सकता था लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, कॉन्फिडेंस। और ये फिर से लाइटनिंग हुई, भगवान लाइट जला जला के बार बार चेक कर रहे हैं कि सही से गाड़ी चला रहा है कि नहीं चला रहा है, अच्छा है, थैंक यू गॉड। और यहाँ से हम लेंगे इसको ओवरटेक, और ये रास्ता मैं इतनी कॉन्फिडेंस से इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि मैं इस पे ना जाने कितने बार आया हूँ और गया हूँ, और मेरी मम्मी का कॉल आ रहा है तो मिलते हैं गाइस। गाइस फ़ोन जो है वो कट गया है और आप देख सकते हैं मैं एग्जैक्ट 2 मिनट में आ गया है, 1:01 पर मैं व्लॉगिंग कर रहा था, सॉरी 10:01 पर, और 10:03 हो रहा है। तो मैं टाइम का और ज़बान का बहुत पक्का आदमी हूँ, जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि मैं हूँ, और मैं अभी सिवान से 4 किलोमीटर दूर हूँ। और मम्मी का यही सवाल था कि मैं कहाँ हूँ, तो मैंने बताया कि मैं 5 किलोमीटर दूर हूँ, क्योंकि मैं उस समय 5 किलोमीटर दूर था लेकिन अब मैं 4 किलोमीटर दूर हूँ। और आप देख सकते हैं भयानक सा तूफान अंदर में, नहीं समझ में आ रहा, अगर मैं शीशा डाउन करूँगा तो आपको समझ में आएगा, लेकिन मैं करूँगा नहीं क्योंकि बारिश की पानी अंदर आ सकती है और मैं बहुत ज़्यादा बकबक कर रहा हूँ, ये बात मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि मुझे डर लग रहा है। तो जब डर लगता है तो आदमी कुछ कुछ करके अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, वहीं मैं कर रहा हूँ बकबक बकबक करके। और आप देख सकते हैं कोई भी गाड़ी वाला डिपर दे रहा है, मैंने भी दे दिया। और बाय गाइस, घर आ गए, बहुत कल का चले हुए थे अभी पहुँचे हैं, बाय। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब, थैंक यू, जय हो।